प्रातः क्लास चल रहा था 17/9/1964 गुरुवार। बात चल रही थी योग कहा जाता है तो वो बाप ही ठहरा और उनको कहा जाता है ज्ञानेश्वर, यानी ईश्वर में ही ज्ञान है। ऐसे तो मनुष्य बहुत अपना नाम रख देते हैं। बाबा ने समझाया था ना, ज्ञानेश्वरी गीता भी है। तो इसका नाम है सच सच ईश्वर, जिनमें ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसको ही कहा जाएगा ज्ञानेश्वर। अर्थात ज्ञानियों का ईश्वर। अब ईश्वर में किसकी नॉलेज है? रचना की, क्योंकि ईश्वर ही इस सृष्टि को रचते हैं। इसलिए उस रचने वाले को ही रचयिता कहा जाता है। अभी तुम बैठ करके कहते हो ना रचयिता है, तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना कि ईश्वर ही रचयिता है। और सृष्टि रची हुई है, तो रचयिता को हमेशा बाप कहा जाता है। भाई भाई को रचयिता नहीं कहेंगे, बहन भाई को रचयिता नहीं कहेंगे। तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमारे सन्मुख है, ये जहां भी होगा वहां ऐसे समझेंगे कि हमारे सन्मुख है, क्योंकि दूर भी तो बाप ही होते हैं। कोई बच्चा बिलायत में रहता है, कोई बॉम्बे में रहते होंगे, तो कहेंगे बाप हमसे दूर है, फिर भी याद तो जरूर करेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं ना। तुमको भी तो भूलना नहीं है, परंतु जबकि लौकिक बाप देखते हैं और ये संबंधी देखते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं। निरंतर उठते बैठते चलते अपन को आत्मा समझ करके एक ही प्रैक्टिस करो, मैं ऐसा अपने शरीर को घुमाने ले जाता हूं, क्योंकि आत्मा बगैर शरीर की पालना कैसे कर सकती है। उठे बैठे चले फिरे कैसे? तो अभी तुम बच्चों को आत्मा का तो ज्ञान है ही, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि नहीं है किसी को। बाकी ये जानते हो कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप तो बच्चों के सन्मुख बैठे हुए हैं और समझाए देते हैं, चुल्लू पानी एक ड्राप भी बस है, काहे का ज्ञान,
ज्ञान का ड्रॉप, यही ज्ञान है, इसको ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप है, जो अब कहते हैं मैं तुम सबका बाप हूं, क्योंकि ऐसे कोई भी सन्यासी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि हम तुम सबका बाप हूं। अरे तुम तो कहते हो सर्वव्यापी है, सब ईश्वर हैं, तो उनका बाप तुम कौन हो सकते हो? इसलिए कोई भी दूसरा मनुष्य मात्र जो सर्वव्यापी कहने वाले हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारा बाप हूं और परमधाम में रहने वाला हूं, जिसको तुम याद करते हो, पतित पावन भी कहते हो, ज्ञान का सागर भी कहते हो, सर्कमस्टांसेस को भी तुम जानते हो, बरोबर लड़ाई सामने खड़ी है, कलयुग का अंत है और बरोबर यादव कौरव पांडव खड़े हैं, ये समझाना तो होता है ना। तो सारी बातें समझाने की हैं। तुम ऐसे मत समझो कि ये रखे हुए चित्र और कोई इनको जाकर के समझे, नहीं, स्कूल में कोई नहीं पढ़ा हुआ होगा और वो कॉलेज में जावे और वर्ल्ड का व हिंदुस्तान का या कोई भी नक्शा देखे तो बैठ करके उनको देखता रहेगा, समझेगा कुछ भी नहीं, जब तक टीचर न समझाए कि ये इंडिया है, ये लंदन है, ये पेरिस है, ये फलाना है। समझाने बगैर तो वो उनकी बुद्धि में भी नहीं आवेगा। अगर नाम भी पढ़ेंगे, जानता होगा तो भी उनकी बुद्धि में सिर्फ ये नाम लिखा होगा, इंग्लैंड कहाँ है, वहां कौन राज्य करते हैं, किस प्रकार के मनुष्य हैं, कोई भी आज समझ नहीं सकते हैं जब तक कोई उनको समझावे। ये अफ्रीका है, उनमें कौन रहता है, भले नाम पढ़ते हैं परंतु उनको कुछ भी आएगा नहीं बुद्धि में। काम के आधार पर नाम रखे हैं तो बुद्धि में तो आना चाहिए ना। सत्रह नौ 1964 की वाणी का तीसरा पेज। यहां तो समझाने की बात है और हर बात समझाने की होती है, उसमें भी तुम बच्चों को तो समझाया गया है कि जब भारत अविनाशी खंड होता है, और पहले पहले तो दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है, तो ये समझाने की बात है ना। भले समझाने के लिए बॉम्बे में एग्जीबिशन भी करते हैं, उसका नाम रखा है न्यू वर्ल्ड एग्जीबिशन, ऐसे कुछ नाम रखा है, तुम देख लेना। आज चले जाएंगे कागज जो एडवर्टाइजमेंट बनाए रहे हैं, अच्छा है, बॉम्बे में ये जो एग्जीबिशन निकाला है, आजकल तो भवका पहले चाहिए ना। एग्जीबिशन क्या हुआ जड़ चित्रों का है, भवका हुआ,
आजकल की दुनिया में भवका चाहिए। कोई बड़ी बात लिख दो तो आदमी आ जाएंगे, छोटी बात लिखने से आदमी आते ही नहीं है। तो उन्होंने लिखा भी कुछ ऐसे ही है, न्यू वर्ल्ड एग्जीबिशन। रिविलेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड बाय गॉड, तो तुमको देखना चाहिए। पोस्ट जब आती है तो ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं उन्होंने देखा भी नहीं होगा। ये तुम्हारा काम है इन बच्चों को देना, खास करके कुमारिका को, और इनको भी थोड़ा समझाना। जो सर्विस से तत्पर है और भाषण कर सकती है, क्योंकि अंग्रेजी में है। किनको समझाने की बात कही है? कुमार का और है? इनको माने किनको? एग्जीबिशन बनी तो बॉम्बे में, लेकिन बताया कि इनको भी समझाना और कुमारका को भी समझाना। क्यों समझाना, उसका कारण क्या बताया है? क्योंकि एग्जीबिशन अंग्रेजी में बनी हुई है और कुमार का, और जिनकी तरफ इशारा किया इनको कौन? ब्रह्मा बाबा। ये उतनी अंग्रेजी तो जानते नहीं है, तो इनको समझाना है। तो सब बात में अंग्रेजी जानने वाला चाहिए। खास करके कुमारे का और इनको क्यों कहा? है? खास करके इसलिए कहा कि कुमार का सर्विसेबल है। क्या सर्विसेबल है? और ये भी सर्विसेबल है। कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो दोनों जो सर्विसेबल है, इनको अंग्रेजी में तो नहीं समझ में आवेगा, तो अंग्रेजी में इनको बहुत बातें समझानी पड़े। अंग्रेजी जानने वाला ही चाहिए कि एग्जीबिशन में क्या क्या करते हैं, ये तुमको भी अच्छी तरह से जानना पड़े। तुमको माने किसको है? तुमको किसको कहा है? किसको? तुमको सामने वाले से कहा जाता है या बाजू वाले से कहा जाता है? तो तुमको किसको कहा है? रुद्रमाला के वर्णकों को कहा, जिनको सामने इमर्ज करके बाबा बात करते थे, क्योंकि मम्मा तो वहां एग्जीबिशन में जा करके खड़ी नहीं रहेगी ना है?
बच्चे ही जाएंगे. वो आकर के जब उनको बताएंगे कि ये जगदम्बा है, ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है, और ये जगदम्बा झाड़ के नीचे दिखाते हैं मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली. काम धेनु है, कौन सी धेनु बताई? धेनु माने गाय. कैसी गाय है? काम धेनु क्या मतलब है? जो भी मानवीय कामनाएं हैं, उन सभी मानवीय कामनाओं की पूर्ण करने वाली है. तो वो आएगा मिलने के लिए. कौन आएगा? समझने वाला मम्मा के पास समझने के लिए आएगा, मिलने के लिए आएगा. वहां मम्मा या बाबा जाएंगे तो फिर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा. तुम मम्मा के बारे में समझाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा. बाकी उनको डायरेक्शन देना है कि यहां मां है जिसको तुम लोग जगदम्बा कहते हो. जगत पिता तो परम पिता परमात्मा ही है, तो जरूर मां होगी. जगत पिता के साथ जगत माता भी होगी. पिता है तो अंडरस्टूड है कि मां है. फिर उनको ये जगदम्बा और इनको कह देते हैं. ये उनको इनको क्या हुआ? उनको ये है जगदम्बा, उनको कह के दूर क्यों किया? 64 में तो मम्मा थी ना, है? माने भविष्य में वो जगदम्बा का प्रैक्टिकल पार्ट आने वाला है, उसके लिए बोला उनको ये जगदम्बा. इनको कह देते हैं क्योंकि कलश इनके ऊपर रखा जाता है. किन के ऊपर? हाँ, माताओं के ऊपर. तो माताओं में भी मुख्य माता कौन हुई? जगदम्बा मुख्य. जगदम्बा के ऊपर कलश रखा जाता है भक्ति मार्ग में, है? ज्ञान रस बांटने का कलश किसके ऊपर रखा गया है? लक्ष्मी के ऊपर रखा गया. इसलिए बोला फिर उनको ये जगदम्बा इनको कह देते हैं क्योंकि कलश इनके ऊपर रखा जाता है. तो ये इनके कौन हुआ? लक्ष्मी माना छोटी माँ या बड़ी माँ है? छोटी माँ. छोटी माँ में कौन प्रवेश करती है? मम्मा ओमराधे प्रवेश करती है छोटी माँ में. छोटी माँ प्रवेश करती है और बड़ी माँ में? बड़ी माँ प्रवेश करती है. नाम है कि बरोबर परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर आकर के कलश माताओं के ऊपर रखते हैं. उसमें मुख्य माता गाई हुई है जगदम्बा. फिर उनकी शक्ति सेना
तो ये सभी बातें कोई होशियार बैठ करके समझाएंगे। समझाएंगे माना कब की बात, भविष्य में। वहां फिर एग्जीबिशन में छोटी छोटी कम अकल वाली सेकेंड ग्रेड घोड़े सवार न चल सके तो फिर महारथी चले, प्यादा तो बिल्कुल ही नहीं चले, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियां तीन प्रकार की हो ना, एक है प्यादी, दूसरी है घोड़े सवार और वो है महारथी। हमेशा तीन प्रकार का उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये अच्छी तरह से गाया जाता है। सो तो बाप जाने और मम्मा जाने कि उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है। और कोई बच्चे तो जान सकते होंगे कि नहीं जान सकते होंगे, है जान सकते हैं तो बताओ उत्तम कौन, मध्यम कौन और कनिष्ठ कौन है, है? सूर्यवंशी माँ उत्तम, तो फिर नारी से क्या क्या बनेगी है? बाबा ने लक्ष्य दिया है, नारी से क्या बनना है, लक्ष्मी बनना है, तो उत्तम तो लक्ष्मी बनती होगी। अरे चुप हो गए, लक्ष्य प्राप्त करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो उत्तम जो माता होगी वो तो लक्ष्य प्राप्त करेगी ना, नारी से लक्ष्मी बनेगी ना, बनती है, है? सूर्यवंशियों की माँ लक्ष्मी बनती है नहीं बनती, तो फिर उत्तम कौन, मध्यम कौन और कनिष्ठ कौन। अरे त्रिमूर्ति में जो तीन देवताएं हैं उनमें भी तो दिखाया है, क्या दिखाया, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो ये तीन माताएं भी होनी चाहिए। कौन है उत्तम, फिर मध्यम कौन है, उत्तम तो लक्ष्मी हो गई, फिर मध्यम कौन, है? अरे ये अच्छी तरह से गाया जाता है, इनका गायन है। जाएंगे कोई नए नए सेंटर्स वाले तो वो बेचारे क्या जाने, उनको ब्रह्मा कुमारी चाहिए जो बैठ करके मुरली पढ़ करके ऊपर कुछ समझावे। जो मुरली पढ़ी है उसके ऊपर समझावे, बाकी तो किसको मुरली भी न हो
तो उनको कोई हर्जा ही नहीं है। किसको पंद्रह रोज मुरली नहीं मिलती है, वो समझाती रहती है। उसमें भी आजकल बाबा समझा रहे हैं कि अच्छी तरह से बस बाप का परिचय दो, कि वो लौकिक बाप, वो पारलौकिक बाप, वो आते ही है स्थापन करने तब जबकि विनाश होने का होता है। विनाश सामने खड़ा है, अभी देरी नहीं करो, समझा ना? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। समय का गायन है, है? ये गायन किस समय का है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। यज्ञ के आदि का गायन है, मध्य का गायन है, कब का गायन है? है? मध्य का गायन, छिहत्तर का गायन है, है? अरे बाबा ने तो इशारा दे दिया ना, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो वो टाइम कभी पूरा होता है कि नहीं होता है? नंबर वार, तो उसी टाइम के लिए इशारा दिया कि पुरुषार्थ के लिए बहुत टाइम गया, बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। ये याद कर देना है कि ये विकर्म का बोझा जन्म जन्मांतर का है, वो काय की याद से खत्म होगा? हैं? बाप की याद से खत्म होगा। योग कोई मासी का घर नहीं है, अथवा याद कोई मासी का घर नहीं है, जो बाप को याद करे तो विकर्म विनाश हो जाए। 17/9/1964 की वाणी का चौथा पेज। तो फिर मिसाल देना चाहिए कि देखो बाबा और मम्मा ये मुख्य हैं, जो नंबर वन में जाने वाले हैं, है? कौन है नंबर वन में जाने वाले? हैं? कौन 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 हुए बाबा मम्मा? है लक्ष्मी नारायण, क्या बताया? वो मम्मा बाबा है संगमी लक्ष्मी नारायण। नारायण को बाबा कहेंगे? हैं? और नारायण में शिव होगा तो बाबा कहेगा? संगमी भी पुरुषार्थ। बाबा ने मुरली में बोला वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर यही मम्मा बाबा होते तो यज्ञ के आदि में यही मुखिया होते। यज्ञ के आदि में इनको भी पढ़ाने वाले कोई थे या नहीं थे? तो जो थे आदि में वो ही अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। जो नंबर वन में जाने वाले हैं, नंबर वन माने हैं?
नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री होते हैं कि नहीं, तो बताओ गिनाओ कौन कौन। अरे अरे नंबर वन नारायण बनते हैं, नंबर दो के नारायण बनते हैं, नंबर तीन के नारायण बनते हैं। नौ नारायण बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो ये मम्मा बाबा हैं मुख्य, जो नंबर वन में जाने वाले हैं। नंबर वन में कौन से युग की बात हुई है? पुरुषोत्तम संगम युग में नंबर वन। फिर बाद में जो आएंगे नंबर वार नारायण, वो फिर नंबर वार हो जाएंगे सतयुग में। तो उनका भी कुछ न कुछ हिसाब किताब योग और ज्ञान का मेहनत करते करते भी इस समय का रहा हुआ है। किनका हिसाब किताब रहा हुआ है सन 64 में है? जो नंबर वन मुख्य हैं, उनका भी कुछ न कुछ हिसाब किताब योग और ज्ञान का, योग और ज्ञान की मेहनत होती है ना, तो मेहनत करते करते भी समय रहा हुआ है। माना सन 64 से पहले भी उन्होंने मेहनत की है ज्ञान और योग की, फिर भी हिसाब किताब कुछ न कुछ रह गया। तो ब्राह्मण जीवन में जिनका हिसाब किताब रह जाता है तो अगले जन्म में ऐड हो जाता है। इसलिए अगर कोई देरी से आएंगे तो बताओ वो याद से कितना अपना विकर्म विनाश कर सकेंगे। बड़ी मुश्किल होगी फिर देरी से आएंगे तो। तुम ढिंढोरा पिटवा दो ना, फिर तुम बच्चों के ऊपर कोई भी उनकी रहे ना, बोलो हम तो ढिंढोरा पिटवाते ही रहते हैं, निमंत्रण देते ही रहते हैं, अखबारों में डालते ही रहते हैं। अखबारों में भी ऐसे ही डालना चाहिए जैसे ढिंढोरा पिटवाया था ना। बाबा ने एक ढिंढोरा लिख दिया तो तुम्हारा जो है वो छूट जाएगा, फिर भले दूसरे अखबार वाले उनमें से कॉपी करें या न करें, परंतु सभी लैंग्वेजेस में भी जितना हो सके, जितना निमंत्रण सभी को मिलना चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, उसमें ऐसा लिखना है ना। बाबा ने छपवाया भी था परंतु इतना कोई अटेंशन सब बात के ऊपर नहीं जाता है। अपने लौकिक बाप का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया, अब आ करके पारलौकिक बाप का बेहद का 21 जन्म का वर्षा लेने का सहज राजयोग, ये पुरुषार्थ करो। ये निमंत्रण तो तुमको बहुत अच्छी तरह से लिखकर अखबारों में भले दूसरी लैंग्वेजेस भी हो उनको भी देना चाहिए, क्योंकि जो भी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े शहर हैं, गांव वाले हैं, अक्सर करके दिल्ली में उनके एजेंट्स रहते हैं। सबसे जास्ती रहेगा दिल्ली में, सबसे जास्ती तुम्हारी सर्विस होगी दिल्ली में। क्यों?
दिल्ली में सबसे जास्ती सर्विस क्यों होगी? हाँ, क्योंकि फिर भी तो सेंटर है वहां का, सारे इस भारत की गद्दी है ना, तो वहां अखबारों के सब एजेंट्स रहते हैं। इतनी मेहनत करनी चाहिए जो सबको ये निमंत्रण मिले कि वेद का बाप आया हुआ है, सर्कमस्टांसेस ऐसे दिखलाना है, साबित कर देना है ये यादव हैं, ये कौरव हैं, ये पांडव हैं। कहां है, कहां है संगम युग में? बात कहां की हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है। क्राइस्ट के, इस्लामियों के, बौद्धियों के ठिकाने तो कुछ भी नहीं है। उनका भी उद्धार करने वाला वो है, तो किनका तीर्थ बड़ा हुआ? तीर्थ बड़ा ही हुआ परमपिता परमात्मा पतित पावन का। वो लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि क्राइस्ट वगैरह ये सभी पुनर्जन्म लेकर के पतित बने होंगे। बहुत थोड़े कोई जानते हैं, जानते तो जरूर हैं। क्राइस्ट भी यही है, ये क्रिश्चियन लोग जानते हैं। वो जाकर के पोप से सुने तो वो बताए देंगे कि बरोबर पुनर्जन्म होता है। इस समय में क्राइस्ट जरूर तमो प्रधान में आएगा, क्योंकि झाड़ तो है ना। ट्री को सब लोग मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं। किसको है? ट्री को मानते हैं। अरे, वृक्ष की मान्यता है या नहीं है? तो बोलो, जरूर पुनर्जन्म तो सबको मिलेगा ना, नहीं तो कहां से आएंगी आत्माएं? कहां से आई क्रिश्चियंस की इतनी आत्माएं? जरूर सेक्शंस हैं। तुम्हारे पास तो समझाने के लिए ये बड़ा अच्छा झाड़, फर्स्ट क्लास, तो इसमें देखो क्राइस्ट लगा हुआ है ना। हिस्ट्री जरूर रिपीट करेंगे, जरूर क्राइस्ट फिर आएगा। कब आएगा? ये बड़ी अच्छी चीज है। क्या जाड़ का चित्र? बच्चों की बुद्धि में अभी इतनी वैल्यू नहीं है। कौन से बच्चों के लिए बोला है? किनको वैल्यू नहीं है जाड़ की है? जो भी बाबा के सन्मुख बैठे हुए थे, इमर्ज करने वालों की तरफ नहीं कहा, बोला बच्चों की बुद्धि में अभी इतनी वैल्यू नहीं है जैसे नंबरवार बाबा कहते हैं। महारथियों के पास कुछ वैल्यू, घोड़े सवार के पास सेकंड ग्रेड में वैल्यू, थर्ड क्लास में इतनी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि खुद इतना पूरा समझते नहीं है। तो समझाने के लिए एग्जीबिशन खुला है, इसमें कोई शो या आर्ट नहीं है। वो तो आर्ट गैलरीज खोलते हैं,
किसकी बात बताई? है? अरे शो करने के लिए आर्ट करते हैं ना, आर्ट दिखाते हैं ना, आर्ट गैलरीज, समझाने के लिए एग्जीबिशन खोला है। शो शराबे की बात नहीं है, वो दुनिया वाले तो आर्ट गैलरीज खोलते हैं, उसमें तो ऐसे ही चरिए खरिए चित्र ले आते हैं। बाहें यहां लगी, वो समझते हैं डांस करने का यही एक आर्ट है। 1764 की वाणी का 5वां पेज कैसे खड़े करके बतलाते हैं, गोपियों का भी चित्र बनाएंगे, गोपियों की पतली कमर कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। अब है तो कुछ भी नहीं, जैसे तुम हो मनुष्य ऐसे ही है, कोई भी पतली कमर थोड़े ही है। देखो इन लक्ष्मी नारायण की पतली कमर कहां है? ठीक जैसे होते हैं तैसे होते हैं, ये सभी नॉनसेंस निकाली हुई है कहां कहां से है? ये दिखावा दिखावा करने की नॉनसेंस कहां से निकाली हुई है? भक्ति मार्ग में जो किस्म किस्म के चित्र बनाए हैं तो समझते हैं वहां देवताएं ऐसे थे, है? कैसे थे देवताएं, कैसे थे? अरे ऐसे पतली कमर वाले कोई देवताएं होते होंगे? देवताएं तो एकदम हूबहू ऐसे हैं जैसे अभी इस समय में अच्छे खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाले बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने समझाया है ना कि 5 तत्व इस समय में तमो प्रधान है, जिन 5 तत्वों से शरीर बनते हैं। वहां सतयुग में सतो प्रधान तत्व होते हैं, तो उनसे कायाकल्प वृक्ष समान बन जाती है। मुसाफिर आते हैं ना, इसके लिए नाम ही रखा हुआ है कृष्ण गोरा कृष्ण सांवरा। कहां का नाम रखा हुआ है? अरे नाम काम के आधार पर रखा हुआ है ना, तो कहां का नाम रखा हुआ है शास्त्रों में? है? अरे संगम युग की ही बातें हैं, कृष्ण गोरा कृष्ण सांवरा। एक या दो? एक ही है। क्यों? संगम युग में कृष्ण की आत्मा 2 शरीरों से पार्ट नहीं बजाती है, पहले सांवरा फिर बाद में गोरा। समझा ना, वहां शरीरों की कोई मरम्मत नहीं होती है जितनी यहां करते हैं। कहां शरीरों की मरम्मत नहीं होती है? हैं? सतयुग में मरम्मत नहीं होती है, कहां करते हैं मरम्मत शरीरों की? इस दुनिया में डॉक्टर लोग कितने ऑपरेशन करते रहते हैं। कितनी मरम्मत करनी पड़ती है, वहां तो भले बुड्ढे भी हो जाओ तुम्हारे दांत वगैरह सब साबुत रहेंगे। मजाल है जो वहां कोई का एक दांत भी टूट जाए, ला नहीं कहता है।
क्योंकि दांत टूटा तो डिसफिगर हुआ, यानी देखने में कुछ बुरा लगेगा। तो वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, एकदम सोलह कला संपूर्ण, शरीर भी ऐसा फर्स्ट क्लास, कभी झूंझा हो कभी चूंचा हो, चंगाले या लंगड़े लूले वहां होते ही नहीं है। यहां तो लंगड़े लूले भी जन्म ले लेते हैं, कहां है? संगम में, बाहर की दुनिया में नहीं, बाहर की दुनिया में भी और यहां भी। कौन है लंगड़े लूले चूंचे चाचे हैं? कौन हैं? मन बुद्धि से लंगड़े लूले, लंगड़े जो हैं उनको कहा जो पुरुषार्थ की दौड़ में भाग नहीं सकते हैं। क्या पवित्रता की टांग ऐसी है, टूटी हुई है, कितना भी प्रयास करें। लूले कौन है? हैं? जिनको कोई सहयोग करता ही नहीं है। सहयोग किसको मिलता है? हैं? सहनशील को सहयोग मिलता है कि जिसमें सहनशीलता है ही नहीं उसको सहयोग मिलता है? हैं? सहनशील को सहयोग मिलता है। कोई चूंचे हैं, झुंझार हैं, आंखों से थोड़ा थोड़ा चिमदा चिमदा दिखाई पड़ता है, पूरा दिखाई नहीं पड़ता है, माने ज्ञान की खूब गहरे की बातों को समझ नहीं सकते। तो देखो यहां लंगड़े लूले भी जन्म ले लेते हैं, अंधे भी जन्म ले लेते हैं। अंधे कौन है? हैं? जिनको कितना भी समझाओ है ज्ञान की आंख काम ही नहीं करती है। हैं? चूचा माने एक आंख में दिखाई पड़ता है, एक आंख में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। दो चार मत्थे वाले भी जन्म ले लेते हैं। क्या कहा है? कहां की बात बताई? यहां, यहां माने क्या, कहां है? यहां माने कहां? संगम युग में, बाहर की दुनिया में नहीं। बाहर की दुनिया में भी दो चार मत्थे वाले जन्म लेते हैं तो यहां भी जन्म, यहां कैसे है? अरे कार्तिकेय को कितने मत्थे दिखाए? छह मत्थे दिखाए। कुछ अर्थ होगा है? क्या अर्थ हुआ? जितने मुख होंगे तो उतनी तरह की बातें करेंगे, क्या एक ही तरह की बात करेंगे? यहां बिल्कुल ही, वहां नई दुनिया में बिल्कुल ही एक्यूरेट, माना वहां एक मत्थे वाले होंगे सब, कि अनेक मत्थे वाले रावण भी होंगे? है? एक मत्थे वाले होंगे एक बार। तो देखो उस दुनिया के तुम मालिक बनते हो, परिस्थान के मालिक बन रहे हो, क्योंकि अभी कब्रिस्तान है ना भारत, इस समय में कब्रिस्तान है। और कहते भी हैं बरोबर सभी कब्र दाखिल, और फिर एक ही मुसाफिर आते हैं। मुसाफिर तो समझते हो ना, ऐसे हो तो तुम भी मुसाफिर,
परंतु तुम मुसाफिर तो यहां आकर के पुनर्जन्म लेकर के पार्ट बजाते हो, और वो एक मुसाफिर कैसा है, हैं? वो आते हैं वो पुनर्जन्म नहीं लेते, और इस दुनिया में जितने भी हैं उनका पुनर्जन्म लेना भी बंद कराए देते हैं इस पतित दुनिया में। तुम मुसाफिर पतित बन जाते हो तो तुम्हारी ये हसीन आत्मा काली बन जाती है, आत्मा ही काली बनती है, उसमें खाद पड़ती है। काहे काहे की खाद पड़ती है, है? है? विकृति की खाद पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कौन से युग से है? द्वापर से खाद पड़ती है, तब कलाएं कम होती हैं, है? सत्युग के आदि से ही खाद पड़ती है, ऊपर से जो नीचे नीचे पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं आती रहती हैं, उनके संग के रंग में आकर के हम भी नीचे गिरते रहते हैं। तो ये खाद पड़ती है, और ये ऐसा मुसाफिर है जो एवर हसीन है। क्या एवर हसीन माने है? ऐसा हसीन है कि इसके अंदर की रूहानियत कितनों के भी संग के रंग में आवे, लेकिन इसकी रूहानियत कम होती ही नहीं, इसमें कोई खाद पड़ती ही नहीं है। वो खुद बैठ करके समझाते हैं, मेरे में तो कोई खाद नहीं पड़ेगी। क्या कैसी भी नई नई आत्माएं आती रहे संग के रंग में, कलयुग के अंत वाली आत्माएं कीड़े मकोड़े जैसी क्यों ना आवे, जैसे पतंगे होते हैं ना, रात में ही जन्म लेते हैं, सवेरे को खलास हो जाते हैं। कैसी भी निष्कष्ट जीवड़े संग के रंग में क्यों ना आवे, लेकिन मेरे अंदर कोई खाद नहीं पड़ेगी। मैं तो सदैव सच्चा सोना, जिसको प्योर आत्मा कहा जाता है, इसलिए मुझे बुलाते हैं। मैं प्योर हूं, एवर पावन हूं, तब तो मुझे बुलाते हैं कि हे पतित को पावन बनाने वाले, अर्थात एवर पावन रहने वाला बाबा आओ। फिर वो आकर के क्या करेंगे, आकर के क्या करो, हमको भी आप समान बनाओ। क्या कैसा बनाओ, हमको भी आप समान बनाओ। तो क्या एवर प्योर सबको बनाएंगे, हा? हा? सबको तो एवर प्योर नहीं बनाएंगे, जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे वैसे ही बनेंगे। हाँ, सदा काल के लिए एवर नहीं बन सकेंगे, फिर भी कम से कम बनते तो बहुत है ना। देखो वहां जो आत्माएं रहती हैं पावन तो होंगी ना, पीछे भले किसी में ताकत कम होगी, जो पिछाड़ी वाले होते हैं भले ताकत कम है पर होंगे तो पावन ना, क्योंकि इनको पतित फिर बनना होता है, तमो प्रधान में सबको आना है।
पर सतो प्रधान आत्माओं में भी ताकत है। जैसे नाटक में जाओ तो देखो कितने ढेर होंगे, फलाना होगा, उनमें उनको क्या मिलता होगा, उसको कम कहेंगे ना, ये एक्टर है, इतना कुछ वर्थ नहीं है, कोई 50, कोई 100, कोई 200 रुपया पगार मिलता होगा। जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते होंगे पता नहीं, तुमको पता है उनका कितना पगार होता होगा, देखते हो उनसे कितना पैसा निकलता है, लाखों रुपया चित्तियों में, भित्तियों में, फलानी जगहों में, क्या करें बेचारे। कहते हैं 30 दिन चोर के तो एक दिन साधु का, तो देखो अभी ये गवर्नमेंट आ गई है, सबका ये फुलावा डाल रही है, सबका खाना खोलेगी, खोलेगी जरूर, '17-9-1964 की वाणी का छठा पेज। जहां लोभी होंगे वहां ठगी भूख न मरे, ऐसी बात सुनी है कभी? लोभी जो होते हैं ना, वो पैसा वैसा जा करके कहां जमीन में छिपाए देते हैं, जमीन में खुद अपने हाथ से तो नहीं कुछ कर सकेंगे, जमीन में खुदाई करने के लिए तो फिर मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री को मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने खोला है, अरे तुमको मालूम नहीं है, बहुत मुनीम जी लोग होते हैं, नौकर लोग होते हैं, मोटर चलाने वाले होते हैं, ये सब जो होते हैं उनको मालूम पड़ जावे कि यहां इस समय में इसने पैसा कहां छिपाया है। अभी बारी है, उनको बोल देता हूं तुमने पैसा छिपाया है तो हमको भी कुछ दो, बोलेंगे कि नहीं है? नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट को बोल देंगे, अभी हम पुलिस को बुलाता हूं, अभी देते हो या नहीं देते हो? नहीं देते हो तो अभी मैं पुलिस को बुलाता हूं, तो बताओ उस वक्त उनकी क्या जान रहेगी। ये सब अभी हो रहा है, कहां खड्डे में पूरा मिस्त्री को जान मालूम पड़ जाता है, अपने हाथ से तो कोई नहीं बना सकेंगे, तो मिस्त्री लोग जा करके समझते हैं कि हमको मिलेगा, तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, उनको जाकर के पकड़ते हैं, देखो तुमने ये काम किया हुआ है, जो तुमने ये काम किया हुआ है जमीन में गाड़ने का, गड़वाने का, तुम्हारा ये चौपड़ा मेरे हाथ में आया हुआ है, अब इसकी खुदाई का 10,000 देते हो या नहीं देते हो? अभी इस समय में कहां से भी ले आकर के दो, नहीं तो अभी हम पुलिस में जाते हैं, वो देरी नहीं करते हैं, तो ऐसे ऐसे केस होते रहते हैं। ओम शांति।